हेलो स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं लेसन नंबर थ्री पार्ट सेकेंड ब्लैक एरोप्लेन के शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स क्वेश्चन नंबर वन आई विल टेक द रिस्क व्हाट इज द रिस्क व्हाई डज द नरेटर टेक इट नरेटर मीन्स कहानी सुनाने वाला जैसा कि आपने इस कहानी को पढ़ा होगा इसमें जो व्यक्ति कहानी सुना रहा है वह एक एरोप्लेन में लंदन जा रहा था तो वहां जाते समय उसने ये बात क्यों कही आई विल टेक द रिस्क मैं ये खतरा उठाऊंगा मैं ये रिस्क लूंगा वॉट इज द रिस्क वह रिस्क वह खतरा क्या था वाई डज द नरेटर टेक इट और इस खतरे को कहानी सुनाने वाला क्यों ले लेता है क्यों वो खतरा उठाता है आंसर इज while flying his plane narrator sees a huge storm in the sky it was the risk of flying the plane through the storm but he wanted to enjoy holidays with his family so he took the risk plane udate hue कहानी सुनाने वाले ने देखा कि सामने तूफान है आसमान में इट वॉज द रिस्क ऑफ फ्लाइंग और प्लेन उड़ाने के लिए यह बहुत खतरे वाली बात थी तूफान में प्लेन नहीं उड़ाना चाहिए लेकिन वह अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां एंजॉय करना चाहता था इसीलिए उसने यह खतरा उठाया क्वेश्चन नंबर टू इज डिस्क्राइब द नेरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इंटू द स्टॉम कहानी सुनाने वाले के अनुभव को डिस्क्राइब वर्णन कीजिए एज ही फ्लू जब वह उड़ा एरोप्लेन में इंटू द स्टॉम तूफान से गुजरते हुए तूफान से गुजरते हुए एरोप्लेन में उसका कैसा अनुभव रहा इसके आंसर में हमें ये बताना है आंसर में लिखेंगे वेन ही एंटर द स्टॉर्म क्लाउड्स जब उसने प्रवेश किया तूफानी बादलों में हिज एरोप्लेन स्टार्टेड जम्पिंग एंड ट्विस्टिंग उसके एरोप्लेन ने कूदना और इधर उधर ट्विस्ट करना मुड़ना शुरू कर दिया ही बिकेम नर्वस वह घबरा गया वेन ही फाउंड हिज रेडियो कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर आउट ऑफ ऑर्डर जब उसने देखा कि मेरा रेडियो कंपास और दूसरे इंस्ट्रूमेंट नहीं चल रहे हैं द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्पटी उसका ईंधन का जो टैंक था वो भी लगभग एम्पटी खाली हो गया था ही कुड नॉट कॉल पेरिस कंट्रोल रूम और वह पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल भी नहीं कर सका दस इस प्रकार इट वॉज अ टेरिबल यह था एक भयानक एंड फियरसम डराने वाला एक्सपीरियंस अनुभव फॉर हिम उसके लिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डज द नरेटर से कहानी सुनाने वाला क्यों कहता है आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा मुझे डेकोटा प्लेन से उतरकर जाने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं थी आई लैंडेड मैं वहां उतरा एंड वॉज नॉट सॉरी और दुखी नहीं था परेशान नहीं था टू वॉक अवे चलकर जाने में फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा अपने एरोप्लेन से उतरकर। ऐसा उसने क्यों कहा आंसर लिखेंगे दैट ब्लैक एरोप्लेन हैड हेल्प द नरेटर उस काले एरोप्लेन ने उसकी मदद की थी नरेटर कहानी सुनाने वाले की मदद की थी ही वॉज डिलाइटेड वह प्रसन्न था खुश था टू लैंड उतर कर सेफली सुरक्षित आउट ऑफ द डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स उन काले तूफानी बादलों के बाहर देयर फोर इसीलिए ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे एंड से थैंक यू टू द ब्लैक एरोप्लेन इसीलिए वह वहां चलकर जाने में और ब्लैक एरोप्लेन को थैंक यू बोलने में कोई अफसोस या दुख उसे कोई परेशानी नहीं थी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर वॉट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट दरेटर स्ट्रेंजली किस चीज की वजह से उस लेडी ने जो कंट्रोल सेंटर में थी उसने कहानी सुनाने वाले की तरफ अजीब ढंग से देखा अजीब तरीके से देखा ऐसी क्या वजह थी जो उसे ऐसा देखना पड़ा आंसर इज इन कंट्रोल सेंटर द नरेटर आस्क अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन जब वह कंट्रोल रूम में पहुंचा तो उसने ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछा था देन द वुमेन लुक्ड हिम तब उस महिला ने उसे देखा स्ट्रेंजली अजीब तरीके से बिकॉज क्योंकि नो अदर प्लेन वॉज there इन द the storm तूफान में कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं द रडार यहाँ तक कि रडार ने भी शोड दिखाया ओनली narrator's प्लेन केवल उस कहानी सुनाने वाले के प्लेन को दैट नाइट इन द sky आसमान में उस रात क्वेश्चन नंबर फाइव डू यू थिंक हेल्प द नेरेटर टू रीच सेफली आप किसे मानते हैं कि किसकी वजह से कहानी सुनाने वाला सुरक्षित पहुंच सका उसकी मदद किसने की डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर इस बात को आपस में डिस्कस कीजिए और फिर इसका कारण अपने आंसर में बताइए आंसर में लिखेंगे द नेरेटर वॉज हेल्प बाय अ ब्लैक एरोप्लेन कहानी सुनाने वाले की सहायता एक काले एरोप्लेन ने की एक्चुअली इट वॉज नॉट अ रियल एरोप्लेन यह एक रियल एरोप्लेन नहीं था और दायलट या फिर कोई एक रियल वास्तविक पायलट नहीं था वॉज द इमेजिनेशन ऑफ द पायलट माइंड यह पायलट के दिमाग की कल्पना थी च हेल्प हिम जिसने मदद की इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस संकट के समय नंबर सिक्स क्वेश्चन इज वायज द नेरेटर हैप्पी कहानी सुनाने वाला खुश क्यों था एंड वॉट वॉज ही ड्रीमिंग ऑफ और वह किस चीज का सपना देख रहा था दरेटर वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज गोइंग टू हिज होम टर इसलिए खुश था क्योंकि वह अपने घर जा रहा था एट द वीकेंड हॉलीडे सप्ताह के अंत वाले छुट्टियों में एंड वॉज ड्रीमिंग ऑफ टू एंजॉय द ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली और अपने परिवार के साथ नाश्ता करते हुए इंजॉय करने के सपने को देख रहा था नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन वाई एंड वेन डिड ही कॉल पेरिस कंट्रोल रूम क्यों और कब उसने पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल किया आंसर इज एट वन थर्टी ए एम सुबह के डेढ़ बजे इन द मॉर्निंग ही सॉ लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी उसने एक बड़े शहर की लाइट्स को देखा एंड कॉल्ड पेरिस कंट्रोल रूम ही कॉल्ड देयर बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो द वे टू इंग्लैंड और उसने वहां क्यों कॉल किया था क्योंकि वह इंग्लैंड जाने का रास्ता जानना चाहता था हाउ मच डिग्री ही शुड टर्न कि उसे वहां से कितने डिग्री टर्न करना चाहिए क्वेश्चन नंबर एट वट डिड ही फाइंड वैन ही चेक द मैप उसने क्या पाया जब उसने अपना मैप चेक किया एंड द कम्पास और अपना कम्पास चेक किया आंसर इज वैन ही चेक द मैप जब उसने अपना मैप चेक किया एंड द कम्पास और अपना कम्पास चेक किया स्विच ओवर टू द सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक फिर उसने अपना दूसरा वाला फ्यूल टैंक जो आखिरी फ्यूल टैंक था उसे बंद कर दिया जस्ट देन और तभी उसने देखा ही सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स तूफानी बादल दे वर ह्यूज वे बहुत बड़े विशालकाय थे उसने तूफान आते हुए देखा क्वेश्चन नंबर नाइन इज वाई डिंट ही रिटर्न टू पेरिस वह पेरिस वापस लौटकर क्यों नहीं गया वैन ही सॉ द स्टोर्न क्लाउड्स जब उसने तूफानी बादलों को देखा आंसर इज ही डिड नॉट रिटर्न टू पेरिस वह पेरिस नहीं लौटा बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट होम वह घर जाना चाहता था एंड वॉन्टेड टू हैव ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली और अपने परिवार के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट करना चाहता था एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर टेन इज हुटर कहानी सुनाने वाले को किसने बचाया रेस्क्यू में सेव करना बचाना वेन ही वॉज होपलेसली लॉस्ट इन द स्टॉन क्लाउड्स जब वह निराशा से निराशा पूर्वक खो गया था तूफानी बादलों में आंसर इज एन अनोन ब्लैक एरोप्लेन हेल्प एंड रेस्क्यूड द नरेटर फ्रॉम द स्टॉर्म क्लाउड्स एक अनजाने काले एरोप्लेन ने सहायता की थी उस कहानी सुनाने वाले की और उसे तूफानी बादलों से बचाया था स्टूडेंट्स यहां आपके इस पार्ट के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं आई होप ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे इस क्लास का पूरा सिलेबस पढ़ने और समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा थैंक यू वेरी मच